जी हम एक मुर्गी 722 रुपए कॉस्ट करके 5500 रुपए जनरेट करवा सकते हैं, और अगर अच्छी ब्रीड हो तो हम 7000 भी जनरेट करवा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करवा रहे। अस्सलामुअलैकुम, एक छोटी सी मुर्गी का छोटा सा अंडा आपको क्या दे सकता है? बेशुमार वीडियोस आपने देखी हैं, लेकिन आप पक्की सच्ची फिजिबिलिटी आपके साथ शेयर करेंगे कि मुर्गियां रखकर आप इनसे कितने और कैसे पैसे कमा सकते हैं। इंतहाई नायाब कीमती और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो वीडियो मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है, इख्तिताम तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। स्टार्ट करते हैं। सर ये बताइएगा कि 5000 मुर्गी के लिए जगह कितनी रिक्वायर्ड है? 5000 मुर्गी के लिए फ्री रेंज के लिए आप पूछ जी रहे हैं? जी इसका मैं यार एक आसान सा आपको कुलिया बता देता हूँ कि एक बर्ड के लिए 10 स्क्वायर फुट जगह चाहिए होती है फ्री रेंज के लिए, जिसमें अगर हम एक मुर्गी रखते हैं तो एक एकड़ में 43000 स्क्वायर फुट, तकरीबन कह लें कि 50000 स्क्वायर फुट है, तो उसमें आप 5000 बर्ड रख सकते हैं। 5000 चूजा कितने का मिल जाता है? जी ये तो डिपेंड करता है कि आपका उस वक्त रेट क्या चल रहा है। ये जो ऐसी मार्केट है ये डे टू डे वेरी करती है, मतलब आप देखेंगे कि ये एक कभी ये, लेकिन आप यही जहन में रखें कि 20 से लेकर 25 रुपीज़ तक, 20 से 25 रुपीज़ तक ये अमूमन मिल जाएगा चूज़ा। हाँ जी। अब इस पे करनी है फीड, इन्हें खिलानी है, तो टोटल फीड इनको कितनी खिलाई जाती है इनके तैयार होने तक, अडल्ट होने तक? 9 किलो जी। 9 किलो एक बर्ड को खिलाई, एक बर्ड को खिलाई जाती है। एक बर्ड पे तकरीबन खर्चा कितना आ जाता है मेडिसिन का? मेडिसिन का एक बर्ड जो हम मुख्तस करते हैं वो तो हम 25 रुपीज़ एक बर्ड के लिए हम जो है अलग रखते हैं बजट में, हमने पूरा, और फिर हम एक रुपए एक बर्ड के लिए हम मुख्तस करते हैं, जो हमारा एक तरीका कार है। तो लेकिन हमारा 25 भी कॉस्ट नहीं आती, अगर कोई आउटब्रेक ना हो तो, जैसे अब ये वाला हमारा फ्लॉक है यहाँ पे चल रहा है, तो इसमें अब पिछले दिनों में जो कॉस्ट आई है तो 8 रुपए अभी तक आ रही है 3 माह की। सही। हाँ जी, तो फिर अगले माह में तो 3 माह ही पहले ज्यादा वो होती है, उसके बाद तो नहीं इतना ज्यादा। यानी कि ये कॉस्ट मैक्सिमम आपने रखी है? हाँ जी, हमने मैक्सिमम एक वो बजट उसका बनाया हुआ है कि इसमें हम तैयार करेंगे। तो बाकी इसका स्ट्रक्चर, इसकी ये आपने जो बार सिस्टम लगाया है, तो ये सारी चीजों पे 5000 पे खर्चा बहुत ज्यादा नहीं आ जाएगा आपका? या पहला फ्लॉग नफे में? ये तो आपकी जो है ये तो डेड इन्वेस्टमेंट है ना, ये तो आपके एक किस्म की प्रोडक्शन हाउस लगा है, एक फैक्ट्री आपने लगा लिया, फिर वो आपका आगे चल रहा है। जब आपका दिल नहीं करता, कोई फ्लॉप है, आप साइड शेड को साइडों पे खड़ा कर दें, उसके बाद फिर कर लें। कितने फ्लॉग लग जाएंगे मेरे इस डेड इन्वेस्टमेंट को वापस रिवर्स लेते हुए? अगर अच्छे रेट मिल जाएं, अगर अच्छे तरीके से आप उसको मैनेज कर लें, तो आप एक में भी सारा इन्वेस्ट वापस कर सकते हैं। वैसे तो कीमतें बढ़ती और कम होती रहती हैं, लेकिन अगर अब अंदाज़ा लगाया जाए आज के वक्त में कि 5000 मुर्गी का शेड तैयार करते हुए कितना खर्चा हो जाएगा? ये वाले शेड आप पूछ रहे हैं या दूसरा है? वैसे पूछ इसी रहे हैं तरह का ये शेड जो आप, ये जो हम ना अपना पूरा रखते हैं कि इसमें ये होता है कि 5 मिलियन का आप जेन में रखें, सारा सारी कॉस्ट ये वो सारा चूजा तैयार होने तक अंडा लेने तक ये आप जेन में रखें, चूजा समेत। हाँ जी बिल्कुल, हर चीज खुराक चूजा और सब कुछ मिला के बिल्कुल 5 मिलियन हर चीज, यानी 50 लाख रुपया तैयार होने तक। सही, तैयार होने तक ये 50 लाख फिर उसी फ्लॉग से जो है वो रिकवर हो सकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप 5500 लगा रहे हैं तो आप 2500 को मल्टीप्लाई करें ना, कितना बनता है आपको खुद ही पता चल जाएगा। सर एक मुर्गी पे रोजाना का कितना खर्चा आता है? हमारे तरीके से तो 1 रुपया आता है, 1 रुपया आता है जी। अब हमारा इधर मेरे ख्याल में कम आ रहा है थोड़ा सा, ये अब हमारा 5000 कुछ 200 के करीब मोर्टेलिटी हुई थी इस जगह पे, तो यहाँ पे अभी भी 4000 रुपये हमने रखा हुआ है एक बना के बजट, उसी में हम कर रहे हैं इसको। अगर मैं ये पूछूं कि देसी मुर्गियों के फार्म से पैसे कमाने के तरीके, नए नए तरीके बताएं, तो क्या कहेंगे? नए नए तरीके तो ये है कि आप इसकी कॉस्ट कम करें, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लें, लार्वा प्रोड्यूस करें, और 25% इसमें कम हो सकता है। जैसे हम 4000 कर रहे हैं तो यही आपका 2500 या 2000 पे आ सकता है जो कॉस्ट है। यानी कि देसी मुर्गियों की जो खुराक की मद में खर्चा आता है वो मिनिमाइज करें, कम हाँ से कम करें, आपका मतलब प्रॉफिट बढ़े। थोड़ी सी मेहनत है ना जी आपकी, आप इनमें सब्जियों का वेस्ट ला के डालें मंडियों से, और जैसे सब चारा तो कर रहे हैं, साथ कुछ और चीज़ें आपने चिकंदर वगैरह वो कॉस्ट किया, उसे क्रश करके क्रशर बना ले, वो फेंके, जो जो चीजें ये तो आपको खाती जाएंगी, ऐसा इशू है ही नहीं इनमें तो। यानी जो डेड इन्वेस्टमेंट है वहां पे तो पैसा लगेगा, लेकिन इनकी तैयारी में कोई इतना खास इतनी कॉस्ट नहीं आती, वो उसी में कवर हो जाता है। अगर बंदा देखे ना कोई
जो कि सही बिजनेस माइंड होगा तो उसे पता चल जाता है कि इसकी जो सारी एक ही कॉस्ट में ही वो पूरा हो जाता है इसके स्ट्रक्चर का जो सिस्टम है। सर मैंने बेशुमार डेयरी फार्म गया, विजिट किए, इंटरव्यू किए, बेशुमार डेयरी फार्म लेबर के सताए हाथों बंद हो गए, कहीं ये काम भी तो लेबर की वजह से नहीं? जी नहीं, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने शायद वो वीडियो बनाई कि नहीं, जब यहाँ पे वो बंदा फीड कर रहा था तो कितनी देर लगी है, 2 नहीं तो 3 मिनट बस। फील्ड में आपने थ्रो करनी है फीड और पानी आपने सुबह टाइम इनको फार देना है यार, ऑटोमेटिक सिस्टम है, चलता रहता है, कोई इसमें है ही नहीं हार्डवर्क, क्या है इसमें, कोई भी हार्डवर्क नहीं है। अंडे सेल करने का लाहे अमल बताइएगा, क्योंकि दुकानों में तो ज्यादातर वाइट वो लेयर जो हैन है उसके अंडे मिलते हैं। हाँ जी, तो इसके अंडे इतनी मकदार में कहाँ सेल किए जाए? तो ये अभी तो इन दिनों में तो आप देख रहे हैं ठंड बहुत ज्यादा है, ये आजकल तो वो पिछले दिनों में हम बड़े हंस रहे थे, एक दोस्त है उसने कॉल किया, उसने कहा जी वो आपके यहाँ कस्तूरी मिल जाएगी। मैं अंडों को कह रहा था, कहता ये तो ऐसे बने हुए हैं वो पूरा ही नहीं हो रहा, जो उसकी डिमांड है वो नहीं पूरी हो रही, इतने लोग आ रहे हैं। सर सर्दियों में मैंने खूब पैसे कमाए, मेरे वारे न्यारे हो गए, लेकिन गर्मियों में अंडा कहाँ लेके जाऊंगा? ये जी हैचरियों को आप दे सकते हैं, फर्टाइल एग है आपका, आप हैचरियों में दे सकते हैं। अगर कोई अच्छे लेवल पे बिजनेस करना चाहे तो साथ अपनी वो हैचरी भी कर सकता है। हैचरी को छोटे पैमाने पे भी किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं किया जा सकता, यानी कि गर्मी में बच्चे निकालें, सर्दियों में अंडे सेल करें। अंडे सेल करें बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा 2 साल जब ये अंडे दे चुकेगी उसके बाद इसकी क्या हिकमत अमली तय की जाती है, नया फ्लॉक डाला जाता है? जी बिल्कुल, फिर उस वक्त इस फ्लॉक को रिटायर कर दिया जाता है, अदरवाइज तो वैसे तो अगर स्टडी की गई है तो ये 7-7 साल तक अंडे देती रहती हैं, लेकिन उतनी एफिशिएंसी नहीं रहती इनकी ना। अच्छा 7 साल और कम हो जाता है तकरीबन देती है, लेकिन अंडों की परसेंटेज। अच्छा ये मुर्गी कितने परसेंट तकरीबन अंडे दे सकती है? जी ये सर्दियों में तकरीबन जो होता है जब आपका पहला जा रहा होता है ये 65% तक दे रही होती है, 70 तक भी चली जाती है, उसके बाद गर्मियों में 85 तक भी चली जाती है। सर्दियों में अंडे ज्यादा देती है या गर्मियों में? ये गर्मियों में ज्यादा देती है, गर्मी में अंडे ज्यादा देती है बिल्कुल। ठीक, अंडे का साइज तकरीबन ग्राम में कभी निकाला आपने? जी 55 ग्राम तक आजकल तो जा रहा है। अच्छा इनमें जो मुर्गे हैं वो आपने कहा कि उनको पहले सेल कर दिया जाता है अंडों से पहले जो मीट पर्पस के लिए होते हैं। हाँ जी, बाद में कितने इनमें तकरीबन वो मुर्गे रखना पड़ता है? 5:1 रखते हैं यहाँ, 5:1। हाँ जी, फर्टाइल एग अगर लेना है, अगर एग फर्टाइल नहीं लेना तो फिर तो रखने की जरूरत नहीं। जब मैं फ्लॉक को रिटायर करूंगा तो क्या ये मुझे मरात दे के जाएगा? हाँ जी, फिर भी ये कुछ ना कुछ तो दे के जाता है। मतलब पिछले दिनों में 260 का वो लगा रहे थे रेट ना इसका, जब आपका 2 साल का रिटायर्ड फ्लॉक होता है गर्मियों में 260 का पीस चला जाता है। अच्छा बड़े पैमाने पर बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं? बिल्कुल, ये देखे ना जी, मैं इसका जो कुलिया बता रहा हूँ लोगों को कि लोग अब 25 मिलियन करते हैं इन्वेस्ट कंट्रोल फार्मिंग पे, आप 25 मिलियन इसमें करें तो आप एक तो आपके वो जो रनिंग कॉस्ट है वो आपकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, आपकी लेबर की कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाएगी। इतने बड़े लेवल पे करें तो आप इसके 2 फ्लॉक निकाल लें सालाना, तो अगर उसके 25,000 के अगर 4 फ्लॉक निकाल के आप 1,00,000 फ्लॉक निकाल रहे हैं तो इसका 50,000 का करके 2 फ्लॉक करके आप भी 1,00,000 पे जा सकते हैं उतने ही पैसों में, और इसका टर्नओवर भी ज्यादा हो सकता है। यानी कि 722 रुपये लगाएं 7,000 तक कमाएं, ये मोटो आपका दुरुस्त है? जी बिल्कुल, नो डाउट। अजय सर आपने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगु की, हमें मोटिवेट किया, लोगों को एजुकेट किया, बताएं जो लोग आपसे जुड़ना चाहें, हालमा का हिस्सा बनना चाहें, उसके कवायद जवाबत क्या हैं? उसके जी कोई कवायद जवाबत ऐसे कोई है नहीं कि जैसे हम कहें कि बड़ा कोई आए हमारे फार्म विजिट करें, पहले देखें उसको, स्टडी करें पहले। मैं तो ये कहता होता हूँ कि पहले आप खुद स्टडी करें, इतने मास्टर हो के हमारे पास हालमा के पास आए ताकि मतलब हमें कोई टेंशन ना हो, हमें एजुकेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा वो उतना ही बर्डन कम हो जाएगा। यंगस्टर्स, बेशुमार पाकिस्तानी लड़के बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान में फर्क बैठे हैं, उनको मशवरा क्या देना पसंद करेंगे? मशवरा यही देना पसंद करेंगे कि अपने मुल्क में यार कुछ करो, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, या छोटी एज से स्टार्ट करो, या क्या ज़रूरत है इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो बुलशिट डिग्रियों पे कर रहे हैं, स्टूपिड किस्म की डिग्रियां कर रहे हैं बंदे और फेल होकर फिर बैठे हैं और कोई काम नहीं करते। वो मैं अक्सर एक मिसाल देता था कि अगर हम पूरी दुनिया को स्टडी करते हैं तो अलेक्जेंडर ग्रेट था, वो 24 साल की एज में कोई हाफ दुनिया पे उसने ऑक्यूपेशन कर ली, ठीक है, और उसके बाद आप मार्टिन लूथर की मिसाल ले लें, आप मोहम्मद बिन कासिम की मिसाल ले लें कि 18 साल की एज में कहाँ से कहाँ चले और कहाँ आ गए, ठीक है, और ये अभी बच्चे 18 साल के होते हैं तो अबू की उंगली पकड़ के चल रहे होते हैं कि हमारा शनाख्ती कार्ड बनवा दो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में, कुछ करना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही छोटी एज में ये वाले बिजनेस करने वाले हैं,
क्योंकि उस वक्त आप जो उस आपके अंदर जो पैशन और एंथुसिएज्म होता है वो अगली एज में बिल्कुल आप रिस्क और ये वो आपके अंदर वो डर पैदा होता जाता है, कम हो जाता है। जो लोग सर आपसे रब्ता करना चाहें रब्ता कैसे कर सकते हैं? नंबर जी मेरा जो है वो आप इनको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दें तो वो कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि मैं ना रात के वक्त ज़्यादा फ्री होता हूँ, शाम 8 बजे के बाद, ठीक है, तो उस वक्त कर लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि दिन को मैं ज़्यादा बिजी होता हूँ। इंतहाई खूबसूरत शख्सियत ने इंतहाई खूबसूरत तरीके से खूबसूरत बातें की। सर आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।